गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो गाइस, आज है इस ईयर का लास्ट डे और कल न्यू ईयर है। तो एक्चुअली मेरे पापा ने बोला था कि शाम को तुम घर आ जाना। हमने बोला हम न्यू ईयर पे आएंगे, बट पापा ने बोला नहीं, आज तुम लोग आ जाना, क्योंकि जो मेरी तीनों सिस्टर हैं वो पार्टी के लिए जा रही हैं। कोई कज़न्स के साथ जा रही है, कोई फ्रेंड्स के साथ। सो पापा ने बोला कि तुम लोग घर आ जाना, तो हम लोग वहीं शाम को जाएंगे। बट मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। मुझे ये बात करनी थी कि ना गाइस, कुछ टाइम पहले, मतलब जब मैं व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट नहीं किया था, तो हम हमेशा न्यू ईयर का पार्टी वगैरह करते थे हमेशा। और तो ना हम लोग सबको पूछते थे कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप लोग आना चाहते हो तो आ जाओ। और अभी भी हम लोग अगर नहीं भी करते हैं, क्योंकि देखो गाइज, अभी हम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मैं और आकाश अकेले हैं, हम दोनों को घर चलाना है। और तब क्या होता था, तब शादी नहीं हुई थी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी इतनी ज़्यादा जितनी अब होती है। तो हम लोग इस वजह से ज़्यादा पार्टी वगैरह नहीं करते हैं, और आकाश का ऑफ भी नहीं था, सो वो ड्यूटी से आते, फिर हम क्या पार्टी करते। तो इसलिए हमने यही प्लान किया कि हम नहीं करेंगे। बट हम लोग ना हमेशा सबसे पूछते थे, और अब की बार हमने नहीं किया क्योंकि किसी का टर्म्स का भी बहुत अच्छा होता है, किसी का टर्म्स नहीं अच्छा होता है। सो हमने इस बार नहीं सेलिब्रेट किया, तो किसी ने हमसे पूछा भी नहीं, किसी ने भी नहीं पूछा कि अगर तुम आना चाहते हो तो आ जाओ। वैसे देखो गाइस, ऑब्वियसली रीज़न है कि नानी जी घर पे हैं, तो मैं ऑब्वियस रीज़न था कि मैं नहीं जाती, और आकाश नहीं आते तो मैं उनके बिना तो वैसे भी नहीं जाती। मैं एक की किसी की बात नहीं कर रही, मैं सभी की कर रही हूँ, मतलब मेरे फ्रेंड्स भी हो गए, फैमिली भी हो गए, सबकी बात कर रही हूँ। सो मुझे इससे ये पता चलता है। और वैसे भी हाँ, अगर वो लोग इनवाइट भी करते तो हमारी तो आदत नहीं है कि हम जाके फ्री में वहाँ खाने लग जाते हैं, पूरा हम कंट्रीब्यूट करते थे पहले भी। और पहले तो हम खैर किसी से बोलते ही नहीं थे कि तुम कंट्रीब्यूट करो, हम खुद ही करते थे सब कुछ। मेरे को इससे ये एक सीख बहुत अच्छी मिली है कि एक डायलॉग मैं बोलना चाहती हूँ इधर पे, कि जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है तब तक दुनिया बोलेगी भाई तू कैसा है, अगर पैसा नहीं है तो भाई भाड़ में जाओ, कौन हो आप, हम नहीं जानते आपको। मेरे लिए आकाश इम्पॉर्टेंट है, आकाश के लिए मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, तो मैं उसी के संग बहुत हैप्पी रहती हूँ। और वो मुझे कोशिश भी पूरी करता है कि कुछ अगर मैंने मांगा है ना तो मेरे को वो दिलाता है, चाहे एक दिन या दो दिन या 3 दिन हो जाए, मैं वो मुझे पूरी करेगा वो ख्वाहिश। इसलिए बस मुझे बुरा लगा, इसलिए मैंने इस वीडियो में ये शेयर किया, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि मैं कभी भी कोई पार्टी हो या कुछ भी हो ना, मैं सबके बारे में सोचती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि हम लोग पार्टी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो मैं और आकाश अकेले से सब कर ले, कभी नहीं। इवन मैं सबसे पूछती हूँ तुम्हें ज्वाइन करना है, तुम्हें ज्वाइन करना है, तुम्हें ज्वाइन करना है, तो इसलिए मुझे बुरा लगा। बट मेरे से ज़्यादा अक्कू को इस बात का बहुत बुरा लगा, और मैं तो हूँ कि लेट गो कर देती हूँ बातों को, बट भाई मेरा पति नहीं लेट गो करता, वो हमेशा याद रखते हैं। और उसने बोला है कि मैं इस चीज़ को हमेशा याद रखूँगा कि किसी ने भी हमसे नहीं पूछा। मैं तो बस ये मानती हूँ कि मेरे जो मम्मी पापा है ना, वो भगवान है मेरे लिए, भगवान, मतलब मेरे लिए तो उनसे इम्पोर्टेंट कोई है ही नहीं इस दुनिया में। बस अगर पापा ने बुलाया है तो शाम को जाना है। और प्लीज़ गाइस, मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि ना कोई पर्टिकुलर बंदा अपने ऊपर मत लेना, और अपने ऊपर लेके मुझसे ये मत पूछना कि भाई तूने वीडियो हमारे लिए तो नहीं बोला, हमारे लिए तो नहीं बोला, हमारे लिए। मैंने किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं बोला है, मैंने ये सब के लिए बोला है कि मुझसे किसी ने भी नहीं पूछा। प्लीज़ इस चीज़ को क्लियर कर लेना, ठीक है? अगर हमारे बिहेवियर में आप कुछ अलग सा दिखे तो प्लीज़ आप
शॉक्ड मत हो जाना कि ये लोग ऐसे क्यों हो गए, क्योंकि भाई तुमने ही पहल की थी तो हम लोग इसलिए ऐसे हो गए। सो गाइस, अब शाम को जब जाऊंगी तब मिलूंगी, सो स्टे ट्यून गाइस। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब हम जा रहे हैं पापा मम्मी के घर, क्योंकि पापा ने बोला कि आज ईयर का एंड डे है तो ज़रूर आना। पता नहीं, कुछ शायद बना बना के रखा होगा मेरे लिए, इसलिए बोल रहे हैं। सो हम लोग घर जा रहे हैं, और घर पे तो वैसे कोई मिलेगा नहीं, ना रोशू, ना तन्नू, ना निशा, क्योंकि वो लोग पार्टी में गए हैं। सो मैं और अक्कू बस पापा मम्मी से मिलने जा रहे हैं। अगर कुछ स्पेशल हुआ या कुछ खाने का स्पेशल बना तो ज़रूर दिखाऊंगी, वरना आपको नेक्स्ट मॉर्निंग या नेक्स्ट आफ्टरनून में जब मैं और अक्कू घूमने जाएंगे तब दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। गाइस, हम लोग आ गए हैं और पापा की डिमांड पर हमने मूंगफली भी ले लिया है, मूंगफली ले ली और गुड़ की पट्टी, गुड़ की पट्टी भी ले ली है। सो घर चलते हैं। देखो पापा ने कोयले जला रखे हैं, मम्मी ने ऑलरेडी हमारे लिए कॉफी रेडी कर रखी है। सो हाथ सीखो। कुछ बनाया वो लेके आ रहे हैं। क्या लाए हो पापा? अरे सैंडविच विद कबाब, कबाब सैंडविच फिलिंग ऑफ आलू। हम जा रहे हैं, तब ये लड़की आई है पार्टी करके, न्यू ईयर पार्टी। पीछे होके दिखा, साड़ी दिखा अपनी। ये साड़ी पहन के गई थी भाई टीचर। सारे बच्चों को छोड़ के आई ना फिर। हाँ तो अब हमारा जाने का टाइम हो गया और अभी आई है। बाय बाय कर दो। सो गाइज, हम लोग घर आ चुके हैं और पापा ने देखो ये कैप पहना दी मुझे, कि बहुत ठंड हो रही है तो कैप वगैरह लगा के जाओ ना। अगर हम कल कहीं जाएंगे तो मैं पक्का आपको दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। हैप्पी न्यू ईयर गाइज। अभी आपने देखा हम पेस्ट्री लेने गए थे, तो अब 12 बज गया, मम्मी को देने जा रही हूँ मैं। ये लो भाई, मम्मी हैप्पी न्यू ईयर। पैर कहाँ है? पैर पैर दिखाओ भाई, पैर। हजारों साल की सुहाग बना रहे। मैं खिलाती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू थैंक यू। लो बाबू खाओ खाओ। हैप्पी न्यू ईयर। और मेरे को बस यही चाहती हूँ मैं इस न्यू ईयर, मम्मी पापा अक्कू अक्कू की फैमिली सब हैप्पी रहे और सब कुछ अच्छा अच्छा हो। सो हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आई विश सबका न्यू ईयर बहुत 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 अच्छा हो। सो हम लोग अब इंजॉय करते हैं, और हाँ कल हम लोग जाएंगे तो जब मैं आपको दिखाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड, ब्लॉग को पूरा जरूर देखना। गाइस हम लोग गए नहीं न्यू ईयर पार्टी के लिए, हम तो घर में ही पार्टी कर रहे हैं। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और दिस इज द नेक्स्ट डे। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। मेरे और अक्कू की तरफ से आई विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। सो बस अभी हम थोड़ा मॉल वगैरह थोड़ा बहुत घूमने जाएंगे और कुछ खा पी लेंगे बाहर से। सो बस वही। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। सो लेट्स गो। कहाँ जा रहे हैं हम बताओ? वीगस। वीगस मॉल जा रहे हैं, हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है। पास में ही है। लेट्स गो। ना 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 बोरा वीगस। वीगस गाइज, यहाँ पे प्लेन विन भी है। ये करो विन करो, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ जा रहे हैं हम टिम हॉर्टन्स, यहाँ पे अक्कू का फ्रेंड भी जॉब करता है ना। अक्कू पागल हो कुछ? गाइज तो हम लोग मॉल आ चुके हैं, टिम हॉर्टन्स में अक्कू का फ्रेंड जॉब करता है तो वही है। वो तो बुला रहा है कि अंदर कुछ खाना वाना। सो गाइज हम टिम हॉर्टन्स में आके बैठ गए क्योंकि अक्कू के फ्रेंड ने बोला है वेट करो मैं आ रहा हूँ। सो मेरा तो भी कुछ खाने का मन नहीं है, बट
उसने बोला है तो उसने बैठना पड़ रहा है। कह रहे थे बोलो अभी अंकित आएगा ना कहूँगा इसका खड़ा हो यहाँ ऑर्डर लिख सारे और इसका स्कूल फ्रेंड है बचपन से हाँ। ये शायद मेरे साथ से है ट्वेल्थ तक है इसके मतलब मेरे फैमिली रिलेशन बहुत अच्छे हैं। मॉल घूमने आई थी और इसने मुझे ला के बैठा दिया है घूमने भी नहीं दे रहा अब इसका फ्रेंड कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ पता नहीं कब आएगा मुझे घूमना था मेरे बच्चे को बैठा रखा है हाँ तो टीम ऑडियंस को बैठा दिया कैसा फ्लेवर है मज़ा आ गया और दोस्त मेरा कैसा था बढ़िया बंदा था सो गाइस हम लोग निकल गए हैं और अपने वेगस कॉलेज ये द्वारका में है सो हम लोग वहीं आए थे और ये अपने फ्रेंड के पास ले गया हमको अंकित के पास और उसने अपने तरफ से हमें कॉफ़ी दी पापा के संग वीडियो कॉल कर रहे हैं हम गाइस देखो कितना सुंदर डेकोरेट हो रखा है पर भीड़ इतनी ज्यादा है बैटरी वाली स्कूटी का पूछ रहा हूँ गाइस यहाँ सारे ब्रांड मिल जाएंगे आपको यहाँ कौन सा ब्रांड है जो नहीं है सारे ब्रांड है मैं अभी दिखाती हूँ आपको सारे ब्रांड है ये रसरोस्की ये स्टारबक्स चार्ल्स एंड कीथ सारे ब्रांड्स हैं दुनिया जहान के कितना सुंदर सजा हुआ है यार कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखो कितना सुंदर सुंदर स्टार्स बंदा मेरे को आईफोन दिलाने ही कह रहा है तो कह रहा जाके बात करता हूँ है चलो गाइस यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है और ये कह रहे बर्थडे पे शायद मैं तुझे आईफोन गिफ्ट कर सकता हूँ सो हाँ वो कह भाई कह रहा है कि 14 ही लेना पड़ेगा और ये मांग रही है 11 प्रो मैक्स यार क्योंकि ना मैंने ना काफ़ी सारे मैं मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो करती हूँ नहीं और इंटेंसिव उनसे मुझे पता चला है कि 14 प्रो मैक्स से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी 11 प्रो मैक्स की वीडियो क्वालिटी है वो बात आपकी ठीक है पर क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी भी तो आई होती जा रही है टेक्नोलॉजी बट मुझे तो ऑनलाइन मंगाने से थोड़ा सा टेंशन रहता हूँ इतनी महंगी चीज़ फोरा इज हियर आल्सो तो जितने भी दिल्ली वाले हो वीगस मॉल में सिफोरा है तो आप आ सकते हो क्या कह रहे हो वीगस मॉल में ऐसे कोई भी ब्रांड नहीं है जो नहीं है सीरियसली पूरी दुनिया जहान की ब्रांड देख ली अभी सिफोरा देखा मतलब अभी तो देखते जाओ अब कितने सारे ब्रांड हैं यहाँ गाइस देख कितना ब्यूटीफुल है सो ब्यूटीफुल कितना ब्यूटीफुल है लेकिन भीड़ भीड़ बहुत है भाई बहुत रश है पानी की कहाँ पे फर्श पे इन्होंने ऐसी डेकोरम जैसे ही मैं वॉशरूम गई ना इसने लाइन मारनी शुरू कर दी छोटा बच्चा खड़ा छोटा बच्चा कीको मिलानो आल्सो वेरो मोडा आल्सो ओनली लेबल कामा आयुर्वेदा सो इत्र की सबसे बड़ी कंपनी मेरे को जो मेरी फेवरेट है इनकी है आउद अरेबिया मतलब इसके बाहर आते ही ना ऐसी स्मेल आ रही है ना मस्त चली नहीं रही है मैक तेरा फेवरेट मैक कब दिलाओगे मुझे मैक का सामान या तो आईफोन ले ले या मैक का ले ले भाई आईफोन दे दे गाइस हम लोग जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रश हो रहा है लोग ना ये क्या था प्ले एंड विन ना यहाँ जा रहे हैं सो दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या हुआ इसके अंदर तो सबसे ज्यादा यहाँ पे ना ये टेडी बियर्स प्यारे लग रहे हैं बहुत और ये देखो अंदर
मैरी क्रिसमस का, कितना ब्यूटीफुल है यार, मेरा पति भी कितना ब्यूटीफुल है यार। मैं बचपन में नहीं खेलते थे, देखो ये बना हुआ, ये सांप सीढ़ी बनी हुई है। बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। एल्फ टाउन, तू एक और नीले कपड़े पहन के जिंगल बैल जिंगल बैल जिंगल ऑल द वे, बहुत ज्यादा यहाँ छोटे छोटे स्टॉल लगा रखे हैं हर चीज के। वाओ मोमो बर्गर किंग का लगा रखा छोटा, भेलपुरी वगैरह का। तो घर चले, अब जाने का मन तो नहीं करता, बट जाना पड़ेगा। बात बता, एक टाइम पे तो तेरा पैसिफिक फेवरेट था, अब तू आज पूछ नहीं रही उसको। और ये वेगस दिखाया किसने है तेरे को? ससुराल वेगस मॉल के पास है, तो मुझे वेगस मॉल पर दिखाया किसने वेगस मॉल? हम लोग यहाँ कब आए थे फर्स्ट टाइम? अब को मुझे लेके आए थे फर्स्ट टाइम जब आए थे हम लोग, जब मेरा बर्थडे था, और आज से 3 साल पहले, जब इस मॉल को कोई जानता भी नहीं था, मुझे चिड़िया का बच्चा भी नहीं था यहाँ पे, तब आए थे। और तब मैं और अमन मेरा ब्रदर इन लॉ वो, और हम लोग आए थे, तो हम लोगों ने बहुत मस्ती की थी यहाँ। और अब ये मॉल सबकी जान बन चुका है, पूरा लिखा हुआ। और ना गाइस, हम लोग इसके टॉप फ्लोर पे नहीं गए, वहाँ तो इतनी सुंदर सुंदर वॉल्स है ना, बहुत प्यारी प्यारी वॉल्स। और यहाँ पे जो भी थिएटर, अगर कोई मूवी देखना चाहता है तो यहाँ पे तो सबसे तगड़ा, मतलब यहाँ द्वारका साइड का सबसे अच्छा मूवी थिएटर है। एक लाइनर गाइस, अब हमारा घर जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि बहुत घूम लिए, पर हाँ कुछ खाएंगे। अंकित ने ना इतनी टेस्टी कॉफ़ी पिला दी, तो मज़ा आ गया मतलब पी के। थैंक यू अंकित। अभी अंकित अंदर है, मैं दिखाती हूँ आप, अंदर अंदर काम कर रहा है बोरा। सो अब हम चलते हैं यार, बाय तो उसको बोल दिया था ना। हाँ सो तुम्हारा चड़ी बड़ी। तो चलते हैं हम लोग घर। डिसाइड किया आपने क्या खाना है? डिसाइड किया क्या खाना है? हाँ बिरयानी खाने चल रहे हैं। बिरयानी या कुछ और देख लेते हैं, जैसा मन होगा वो चाहिए। बस चिकन देखते हैं, चिकन चाहिए। मम्मी के लिए तो मच्छी रखी है ना घर पे, मम्मी कह रही है कि मैं फिश खाऊँ। हाँ तो बस ठीक है, फिर देख लेते हैं हम जो भी सेटअप बनता है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। ये देखो गाइस, इस मॉल का पूरा ओवरव्यू कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो आधा ही दिखा रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे ना कुछ पार्किंग का भी कोई लोचा नहीं है, बहुत बड़ी पार्किंग है, आके लगा दो, अंदर भी है बाहर भी है, आप कहीं भी लगा सकते हो। हमने अपनी स्कूटी यहाँ लगाई है, इतना रश था। सो देखो बहुत बड़ा है ये, पीछे से अभी तक मतलब काफ़ी बड़ा मॉल है वेगस नाम से, तो आप लोग आ सकते हो, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। गाइस तो ना यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको कह रहे हैं, बता दें जो लोग मेट्रो से आना चाहते हैं। सेक्टर 14 का मेट्रो स्टेशन पड़ता है सबसे पास यहाँ द्वारका का। और पता है गाइस, मैं ना बहुत दिन से आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, मेरी फैमिली को तो पता है, इन्होंने ना स्कूटी पे कुछ लिखवा रखा है, मैं दिखाती हूँ आपको इन्होंने ना क्या लिखवा रखा है। हटाना जरा हाथ। सॉरी गर्ल्स, माय वाइफ इज वेरी स्ट्रिक्ट। इन्होंने हर जगह मेरी बेइज्जती करवा रखी है। वो स्ट्रिक्ट है थोड़ी बहुत। हाँ और पता है, इतनी बेइज्जती को कहीं भी जाते हैं ना, सब पूछते हैं कि भाई ऐसी है क्या भाभी। और अब आपके जीजा जी का भी चैनल आ गया है। हाँ इन्होंने भी चैनल स्टार्ट कर दिया, किस नाम से बता दो? वोल्टेज राइडर। हाँ मैं राइड की वीडियोस डाला करूंगा रोड पे। हाँ तो इनको भी सपोर्ट करना गाइस। ओके देखो सुनसान, जाते वक्त इतना ट्रैफिक मिला था, आते वक्त उतना ही खाली रोड मिला है।
और क्या कहते हैं, बहुत मज़ा आया ना, आपको अच्छा माहौल है ना? हम तो पहले भी आए खैर, लेकिन आज अच्छा लगा और अंकित से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। सो अब बस हम घर की तरफ निकल रहे हैं और घर जाके ही कुछ ऑर्डर करेंगे, क्योंकि ना मम्मी घर पे है तो हमारा मन नहीं करा हमारा कुछ वहाँ पे खाने का, हमने बोला घर जाके ऑर्डर कर लेंगे, है ना अंकू? और यार मम्मी के लिए, मम्मी को हम ले जाते भी ना तो रात को ठंड भी हो रही है और दूसरा मम्मी चल भी नहीं पाती, मम्मी चल नहीं पाती वो क्योंकि मम्मी के पैरों में दर्द रहता है। सो गाइज स्टे ट्यून, अब हम जब खाएंगे ना तब दिखाएंगे आपको। सो गाइज हम लोग घर आ चुके हैं, बहुत मजा आया। अब फोन को शार्ज पे लगाऊंगी और कुछ खाऊंगी ना, जब दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या लेकर आई हूँ। ऑर्डर कर लिया था तो मैंने बोला यार पिक ही करते हुए चलते हैं, क्योंकि फिर वो डिलीवरी के लिए इतनी देर लगा था डिलीवरी बॉय, तो इसलिए हमारे घर के पास की आउटलेट से ऑर्डर किया था और बहुत मज़ा आया। और ना वहाँ पे ना सबसे अच्छा मुझे इस मॉल में ये लगा कि वहाँ आपको सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, मतलब जो आप सोच सकते हो ना उतने ब्रांड्स वहाँ पे हैं। सो आप जाके विजिट कर सकते हो, बहुत अच्छा है। उसका नियर बाय मेट्रो स्टेशन सेक्टर 14 द्वारका है, तो आप मेट्रो से भी जा सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। फ्राइड राइस लाई थी, कोक लाई थी, अच्छे यार टेस्टी है गाइस। हमारे यहाँ पे मिल गया और हमने एग एडिशनल करवाया नहीं था पर उसने डाल दिया, और फ्री की चीज तो सबको अच्छी लगती है। नहीं राइस पैसे वसूल है, हाँ। पैसे वसूल है, मम्मी को भी बहुत पसंद आया और आपको को भी बहुत पसंद आया, तो मैं खा के वीडियो को एंड करती हूँ। सो गाइज हम लोगों ने खाना वगैरह सब खा लिया, मम्मी को फ्राइड राइस बहुत अच्छे लगे, मुझे भी बहुत अच्छे लगे, हमारे यहाँ के फेमस शॉप के हैं और इन्हें कुछ कहना है सभी अपने जो व्यूअर्स हैं। हाँ, इन्होंने आज ना किसी को मतलब विश नहीं किया था हैप्पी न्यू ईयर मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को, तो मैं तो सभी सब्सक्राइबर्स को व्यूअर्स को मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से विशिंग अ हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो और अच्छी खुशियां लाए सबके घर में, खुशियां लाए और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइस। हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मम्मी माता भी, मम्मी बोलो सब सुन रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर सभी को, जो जो वीडियोस देखता है ना, सो गाइज अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि काफी लंबा ऑलरेडी हो चुका है। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज।